लोग अक्सर ऐसे मौके पे अपने को सजाते हैं, संवारते हैं, कुछ गलतियां सुधारते हैं, कुछ इम्प्रूव होते हैं। आज देश के लिए, समाज के लिए जो करना है वो ठीक है, लेकिन आप जिसके लिए हर हमेशा एकत्र होते हो वो है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो शायद आपको उपयोगी हो। जीतू भाई ने सबको याद किया, एडवोकेट वर्षा बेन हमारे साथ में हैं, बिना बेन गलानी, डॉक्टर करिश्मा बेन, नीलम बेन हमारी टीम आपके बीच में है। आप सब भी योग के लिए या अपने स्वास्थ्य के लिए नियमित कटिबद्ध है, फिर भी कुछ बातें ऐसी होती है जो कभी कभी कोई आके बता जाता है तो अच्छा लगता है। तो ऐसे शिशिर ऋतु के आहार विहार की चर्चा आज हम करने वाले हैं। वैसे तो शिशिर ऋतु बैठ चुकी है, मकर संक्रांति के दिन हमने वो बहुत बड़ा उत्सव मनाया, उस दिन मिलना था लेकिन हम उस दिन नहीं मिल पाए। तो जीतू भाई ने बोला कि 26 जनवरी अच्छा दिन है, उस दिन अगर हम मिलते हैं तो अच्छा रहेगा, तो आज का दिन पसंद किया है। तो भारत विविधताओं में, खास करके ऋतुओं की विविधता वाला भी देश है। आपको शायद पता होगा कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप अमेरिका में बैठे हो अगर आज, या यूरोप के कोई देश में पूछते हो तो वहाँ ऋतुओं का ज़्यादा पता नहीं चलता है। आप किसी को फ़ोन करिए अमेरिका में या ऐसे कोई यूरोप के कंट्री में कि कौन सी ऋतु चल रही है, कैसा वातावरण है, तो वहाँ से आपको दो ही जवाब कभी भी मिलेगा, या तो बर्फ़ गिरता है या तो नहीं गिरता है। वहाँ ऐसी 6 ऋतुएँ होती ही नहीं है, ये शायद हमको पता भी ना हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स को पता नहीं है कि वहाँ ऋतुओं की विविधता है ही नहीं, क्योंकि उस देश की जो भूगोल है या उस देश की जो स्थिति है इस संसार में पृथ्वी के ऊपर, वो ऐसी जगह पे है वहाँ सूर्य नारायण उसको दिखता ही नहीं या कम दिखता है। तो वहाँ शीत ऋतु होना, अति शीत होना, गर्मी होना, बारिश होना, बहुत बारिश होना, कम बारिश होना, ऐसा उनको कुछ पता ही नहीं चलता, या तो बर्फ़ गिरता है या तो नहीं गिरता है। जैसे चंद्रमा में जाओ, जैसे बुध में जाओ, शुक्र में जाओ, ऐसा ही इस देश के, इस पृथ्वी के बहुत सी जगह ऐसा वातावरण, सिर्फ भारत एक अकेला ऐसा देश है एशिया, और उसमें भी भारत के, जिसमें 6 ऋतु होती है। तो भारत के ऋषि मुनियों ने, भारत के अध्यात्म ने, भारत के विज्ञान ने बहुत कुछ सोचा था। जो हमारे पास आया वो आयुर्वेद के स्वरूप में आया। आयुर्वेद कभी कभी हम मानते हैं कोई चिकित्सा शास्त्र है या कोई मेडिसिन का टेक्स्ट बुक है या ग्रंथ है, लेकिन एक्चुअली नहीं है। आयुर्वेदयति बोधयति इति आयुर्वेद, आयु यानी लाइफ, जिसमें लाइफ के बारे में वर्णन है, जीवन के बारे में वर्णन है, दवाइयों का वर्णन नहीं है। लोग आयुर्वेद को अक्सर कैसा मानते हैं कि कुछ काढ़ा पियेंगे, कुछ टेबलेट खाएंगे, कुछ फाकी खिलाएंगे, मूड माथी रोग काढ़ी ना के, ऐसी आयुर्वेद की बहुत सी चर्चा मगज में आती है, क्योंकि जो सुना है वो आधा अधूरा सुना है, प्रयत्न तो किया ही नहीं हमें कभी। तो आयुर्वेद इज अ साइंस ऑफ लाइफ, कैसे जीना, हम बीमार ही ना हो। मैं आपको जब देखता हूँ तो मुझे लगता है आप 50 से अप है सर, 50-60, और आप कब आने लगे तो कोई बोलेंगे बिना बहन तो बहुत साल से हमारी सुखायु क्लब की भी मेम्बर थे, हमारा एक सुखायु क्लब, सुख आयु, आनंद भी मिले, सुख भी मिले और आयुष्य भी मिले, ऐसी क्लब की मेंबर थी, मुझे अभी याद दिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप लोग 50 के बाद अब योग में जुड़ गए, आपको लगा कि बस अब तो शरीर को ठीक रखेंगे, तब मौका मिलता नहीं, अच्छा मिलता नहीं। ये आपकी बातें ठीक है, आपको कोई सिखाता होगा, मैं तो वैद्य हूँ, शिक्षक हूँ, ऐसा कभी 50 के बाद स्वास्थ्य आता ही नहीं। स्वास्थ्य तो पहले से, पहले दिन से, बच्चा एक दिन का होता है, रोता है और हमारा स्वास्थ्य का विकास शुरू हो जाता है। स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य पहले माँ के हाथ में होता है या दादी के हाथ में, नानी के हाथ में होता है बच्चे का, फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, हमको लगता है कि वो बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है अगर वो ठीक, बच्चा पैदा होता है, पहली ऋतु आती है उसको जुकाम होती है, क्योंकि वायुमंडल की इफेक्ट होती है, कितने भी माँ उसका ध्यान रखे। तो वातावरण की इम्पैक्ट क्या है, ऋतु बदली, दूसरी ऋतु आई तो बच्चों को दिक्कत हुई, उस समय उसका दांत भी आना शुरू हो गया तो उसको और तकलीफ होती है। लेकिन स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य
ये हमारा अंदर होता है, ये बाहर नहीं होता, डॉक्टर के पास नहीं होता, पता ही नहीं हमें। इसलिए हम लोग फिर जब भी मौका मिला तब योग में या ऐसे घूमने चले जाएंगे, ऐसा मोटा पेट लेके घूमते रहते हैं। हाँ, पता नहीं कब पेट कम होगा क्या नहीं होगा, वजन कम होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अच्छा लगता है। फिर भी कुछ गलत करने से बजाय तो आप योग करो, वो अच्छा ही है, उसमें कोई गलती तो है नहीं। लेकिन कब करना, कब से शुरू करना, अगर करना भी है तो वो ख्याल होना चाहिए। तो आयुर्वेद ऐसी सब बातें करता है, उसमें से मैं ज़्यादा तो आज नहीं कहूँगा। लेकिन जो शिशिर ऋतु जो बैठ गई है, जिस ऋतु में हम अभी गुजर रहे हैं, 2 महीने की एक ऋतु होती है, ऐसी 6 ऋतु होती है, तब 12 महीना होता है। तो जो 12th मंथ है, टोटल 12th मंथ है, उसको आयुर्वेद ने, भारत के लोगों ने, भारत के भूगोल शास्त्रियों ने, भारत के ज्योतिष शास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने 2 पार्ट में विभाजित किया पूरा काल चक्र जो है 12 महीने, आदान काल और विसर्ग। आदान और विसर्ग संस्कृत शब्द है, कि एक में बल ज़्यादा मिलता है, एक में बल कम होता है। और हम व्यवहार में कहते हैं चातुर्मास बैठ गया, धनारक बैठ गया, मीनारक बैठ गया, ऐसी बहुत बात है, लेकिन वो हमने छोड़ दिया है पंडित के लिए, शादी के लिए। एक्चुअली हर मौसम का, हर वातावरण का, हर सीजन का, हर ऋतु का, हर महीने का अपना महत्व है। पुरुषोत्तम महीना 3 महीने के 3 साल के बाद आता है, लेकिन वो क्या है, वो भौगोलिक घटना है, हम उसको धार्मिक तरीके से कैसे देखें वो अलग बात है। तो हर 2 महीने में 1 ऋतु बदलती है, उस समय हमारे खान पान बदल जाना चाहिए। और आप ही देखिए कितने लोगों ने कैप लगाई है, मास्क लगाएंगे, कोट पहनेंगे, स्वेटर पहनेंगे, लेकिन जैसा ही मार्च आ जाएगा तो हमारा ये स्वेटर कम होता जाएगा, फरवरी में ही लगभग निकल जाएगा, और मार्च में तो स्वेटर अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मौसम बदली है। 7:30 बजे उस समय तो इतना धूप हो जाएगी, अप्रैल में, मई महीने में यहाँ आपके सामने धूप आएगी यहाँ से, और फिर वही जून में और बदल जाएगा, सफोकेशन होगा। बहुत बारिश भी नहीं है लेकिन शरीर में से बारिश निकलती है, इतना पसीना होता है। फिर जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, ह्यूमिडिटी, बारिश। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आज जो मैं विषय बताने वाला हूँ उसका प्रारूप समझ में आए। हजारों साहब मुझसे भी कुछ तो बड़े हैं, बहुत से दिवाली देखी आपने, बहुत से बारिश देखी, हमें कहना मैं तो बहुत दिवाली जो ही, लेकिन वो जाने दी आपने, दिवाली देखी नहीं है, हमने समझी नहीं है। तो आयुर्वेद वो समझाने की कोशिश करता है कि हर ऋतु का एनवायरनमेंट होता है जो आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। देखो दिन रात जैसे होते हैं, दिन में जो होता है रात में कुछ अलग होता है, तो दिन रात में जो अंतर है उसमें आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, पता होना चाहिए कि जो दिन में काम कर सकते हैं वो रात में नहीं कर सकते, जो रात में होता है वो दिन में हम नहीं कर सकते, क्योंकि दिन में सूर्य नारायण की उपस्थिति है और रात में वो नहीं है। तो बॉडी के बहुत से कंपोनेंट दिन में तो एक्टिव रहते हैं लेकिन रात में वो एक्टिव नहीं रहती, इसलिए कहते हैं रात्रि भोजन प्रेत भोजन की वजह। कुछ जो जैन लोग होंगे उसको तो मालूम होगा कि संध्या काल के बाद हम भोजन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते वो धीरे धीरे अब वैज्ञानिक को समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो बता देना, आयुर्वेद में तो शाम का भोजन लिखा ही नहीं है। सुबह का ब्रेकफास्ट करो अच्छा सा, दोपहर को लो और शाम को नहीं खाना है। ठीक है, वो तो अलग बात है, मैं बता नहीं ये रहा था कि रात को भोजन क्यों नहीं करना, प्रेत भोजन क्यों बोला गया हमारे दादी नानी ने। तो ये उसमें जो एक विज्ञान है, उसका विज्ञान यही है कि उस समय कुछ एंजाइम्स पचाने वाले जो पाचक रस चाहिए वो नहीं एक्टिव होते, नहीं हो सकते, वो सूर्य की हाजिरी में अमुक घंटे में ही हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता, तो आपको पचेगा नहीं। प्रक्रिया के हिसाब से वो इंटेस्टिन से गुजर तो जाएगा लेकिन उसके ऊपर जो प्रोसेस होनी चाहिए वो नहीं होगा, नहीं होती है। इसलिए मैं रात को नहीं खाना चाहिए। अब वो विज्ञान वाले तो 2000 साल के बाद समझ रहे हैं, हमको तो हजारों साल से मालूम है लेकिन पता नहीं। हम तो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि रात को 12 बजे के बाद आप आएंगे तो पिज़्ज़ा आपको आधे दाम में, यानी आधे दाम में पूरा रोग मिलेगा। बस लोग तो टेम्पटेशन लेके खाते हैं। तो दिन में जो हो सकता है वो रात में नहीं हो सकता, क्योंकि वातावरण में चेंज भी आप देखते हैं,
क्योंकि अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी अपनी धुरा पे घूमती है। कॉजेस डे एंड नाइट, दिवस और रात क्यों होता है कि सूरज के सामने रहना पृथ्वी को, यानी हमारी धरती माता, तो दिन रहता है। जब वो घूम जाती है अपने एक्सिस पे, अपने दूरी पे, धरा पे, तो फिर रात बन जाती है। सूरज से हट जाता है जो भाग भारत का या विश्व का कोई भी, तो वहाँ अंधेरा हो जाता है, वहाँ रात होती है। तो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है जो होता है और नहीं होता है। कुछ सूर्य के सामने होता है, कुछ रात्रि को। तो तमस प्रादुर्भाव, हिस्टामिन, वो रात को डेवलप होता है तो नींद आती है। तो बॉडी को तो नींद भी चाहिए, रेस्ट चाहिए, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, फूड, नाश्ता, भोजन, पानी, प्रवाही, दूध, वो सब आहार वगैरह जो बॉडी को चाहिए। निद्रा यानी निद्रा और रेस्ट, रात का आराम, पूरा रात की नींद, और दिन में या बाकी समय भी बैठना उसको। और ब्रह्मचर्य यानी जो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी से लेके जो संतति निर्माण करना, वो हमारा तीन, और बाकी और भी बहुत सी चीज़ है जो अभी इतना समय नहीं, लेकिन आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये त्रिपाई है, उसके ऊपर हमारा हेल्थ है। नींद ठीक रही, फूड ठीक रहा, और ब्रह्मचर्य यानी बाकी एक्टिविटी जिसमें ये एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम भी आ जाता है। तो तीनों का पालन बचपन से करना पड़ता है, तब आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये तीन नहीं ठीक रखेंगे तो कब आहार लेना, कब नींद लेना, दोपहर को नींद लेना, नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, तो उस समय आपका पाचन तंत्र भी बंद हो जाएगा। अगर आप सो जाओगे तो दिन में नींद नहीं ले सकते। सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में, उनाड़ो आप जैसे कहीं नहीं, ग्रीष्म ऋतु में, चैत्र वैशाख में हम नींद ले सकते हैं दोपहर को, बाकी दोपहर को हम नहीं सो सकते। जीवा स्वाप से बहुत सी गंभीर रोग होते हैं, पता ही नहीं। जामनगर में तो एक से चार दुकानें बंद, कहीं भी जाओ तो कर्फ्यू लग जाता है। घर में भी किसी के घर में बेल नहीं लगा सकते 2 बजे 3 बजे। जैसे सुबह उठते हैं इसका वो हथियार है, हमारी तो आदत है, हम समुद्र किनारे रहते हैं तो थोड़ी दिन तरह अलग होती है, ठीक है। तो दिन में कुछ काम कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, तो ये एक दिन की बात नहीं, लेकिन कम से कम 2 महीना ऐसा चलता है, फिर कुछ चेंज होता है। क्योंकि सूरज के सामने पृथ्वी घूमती है, और साथ साथ एक दूसरा काम भी पृथ्वी करती है, वो सूरज के आसपास भी घूमती है। कभी सूरज के एकदम सामने होती है, कभी दूर हो जाती है, कभी और दूर हो जाती है, कभी फिर से मिड में आती है, कभी तिरछी हो जाती है, और फिर से ऐसे। तो उसका अंडाकार उसकी गति है, पृथ्वी की गति अंडाकार सूरज के आसपास है। तो उसकी वजह से सूरज के सामने रहना, नज़दीक रहना, पास में रहना, यानी गर्मी होना, और सूरज से दूर हो जाना यानी ठंड लगना, और बहुत दूर हो जाना तो अति ठंड लगना, और फिर ऐसी तिरछी हो जाती है तो बारिश होना, गर्मी शुरू हो जाना, बारिश हो जाना। तो ये हर 2 महीने में पृथ्वी के ऊपर चेंज होता है, उसको कहते हैं ऋतु। तो जिस तरह से दिन में कुछ नहीं हो सकता, दोपहर को नहीं सो सकते, रात को नहीं खा सकते, एक्सरसाइज के लिए ये समय निश्चित है, संध्या वंदन ऐसे करते हैं, दोपहर को संध्या नहीं होती, तो कुछ कुछ एक्टिविटी दिन में जो क्रम बताया है जिसको कहते हैं दिनचर्या, उसी तरह से ऋतुचर्या, कि ये पूरा ये 2 महीना कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, वो उसको कहते हैं ऋतुचर्या। तो उस समय के खान पान बदल जाते हैं। आज जो आप अभी श्रीखंड नहीं खाते होंगे, और जैसे ही अप्रैल हो जाएगा आप श्रीखंड खाएंगे, और जैसे ही फिर मॉनसून आ जाएगा, जाड़ा सॉरी बारिश आने लगेगी, तो आप श्रीखंड बंद कर देंगे, और अगर फिर खाएंगे तो बीमार होंगे। अभी हम मैंगो नहीं खा सकते, मैंगो, आम, केरी, अभी अगर आ भी गई, कोल्ड स्टोरेज से मिल भी गई, पैकेट में रखी है, 3 पैक आपको मिल भी गई, हम कहते हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हम तो खाएंगे, हमारे यहाँ गेस्ट आए, वेवा ही आवे, लेकिन वो उसको खिलाया तो आप भी बीमार हो और वेवा भी बीमार हो जाएगी। इस ऋतु में नहीं खा सकते। बहुत लोगों को मालूम है कि कुछ दिन के बाद, कुछ तिथि के बाद तो आप आम भी नहीं खा सकते। जब भाद्रपद चौदसी होती है तो उसके बाद आम नहीं खा सकते, आद्रा बैठ जाए उसके बाद नहीं खा सकते। मुड़ो मोगरी ने दही सांझ पची नहीं, कभी भी नहीं खा सकते। मूली आप शाम को कभी नहीं खा सकते, मालूम भी नहीं बहुत लोगों को। सलाद में मूली होती है, होटल में जाओ, पार्टी में जाओ, लग्न में जाओ, तो मूली शाम को नहीं खा सकते। दही बड़ा, दही आप नहीं खा सकते शाम को। वसंत ऋतु में तो दिन में भी नहीं खा सकते दही। तो कौन सी ऋतु में क्या खाना, कब खाना, दिन में कब खाना, रात में क्या खाना,
भोजनान्ते पिबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम्। भोजन के अंत में छाछ पियो तो फिर वैद्य की जरूरत नहीं है, आपका पचन अपने आप हो जाएगा। हम छाछ लास्ट में पीते हैं तो भोजन के अंत में पहले छाछ पियेंगे तो पहले पानी पी लेंगे तो ऐसा नहीं होता। तो पानी कब पीना, छाछ कब पीनी, दूध कब पीना, दिनांते पिबेत दुग्धम किम वैद्यस्य प्रयोजनम्। दिन के अंत में दूध पियो तो फिर वैद्य की जरूरत नहीं। हम कहते हैं सुबह बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, माता बहने को मालूम नहीं कि दूध सुबह नहीं पिलाना चाहिए। क्यों नहीं पिलाना चाहिए, उसके दो तीन वजह है। एक दिन में जो वातावरण की इम्पैक्ट होती है वो, और दूसरा गाय जो रात को खड़ी रही है तो चंद्र की इम्पैक्ट हुई है, ठंड में खड़ी है, वो मूवमेंट नहीं कर रही है, बंधी हुई है या खड़ी हुई है, और सुबह उसका जो दूध है तो वो कफ वाला बनेगा। लेकिन दिन में गाय जाती है 11 किलोमीटर चरने के लिए, वापस आती है, सूर्य के किरण उसके ऊपर गिरते हैं, उसकी जो हम्प है टुड्डी उसमें एक प्रैक्सिस है, उसमें सूर्य के किरण से वो अंदर एंजाइम बनाती है गोल्डन येलो एंजाइम, वो दिन में ही आता है। तो शाम का जो दूध है गाय का वो पीना चाहिए। दिनांते पिबेत दुग्धम किम वैद्यस्य प्रयोजनम्। तकलीफ ही नहीं पड़ती। और क्या खाना कैसे करना, हम तो ये तो मैं तो वही दूध में बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी तो टीचर थे, मेरे दादाजी को मैंने सुना था छोटा, वो तो पुलिस इंस्पेक्टर थे, लेकिन वो मुझे बताते थे, वो मुझे उस समय से याद है। मैं वैद्य हूँ इसलिए नहीं, शायद आपने भी सुना होगा, आंखें त्रिफड़ा दांते लूण पेट न भरिए चारे कूण जमीन डाबे पड़खे सुए एनी नाड़ी वैद्य न जुए तांबे पानी जे पिए लोढ़ी ढेबर खाए दूधे वाड़ू जे करे ते घर वैद्य न जाए। मजा भी तो ये बातें, उसमें आयुर्वेद की कोई जरूरत नहीं पड़ती, कोई वैद्य की जरूरत नहीं पड़ती, हम सब जानते थे। तो अभी जो शिशिर ऋतु है, इस ऋतु में क्या खाना क्या नहीं खाना, तो पहले डोंट्स जो नहीं करना वो समझ लेना चाहिए। आइसक्रीम नहीं खाना, दही नहीं खाना, अगर खाना भी है दही तो शाम को तो बिल्कुल नहीं खाना, वो तो कभी भी नहीं खा सकते, लेकिन इस ऋतु में खाना है तो काली मिर्च सैंधा नमक के बिना नहीं खा सकते, दही अकेला नहीं खा सकते, नहीं तो दही आपको बहुत कफ करेगा, आइसक्रीम कफ करेगी। कितना भी आइसक्रीम सस्ता मिले अच्छा मिले घर में पड़ा है फ्रेंड्स आता है, लेकिन इस ऋतु में आप आइसक्रीम मत खाओ, दही मत खाओ, जाकर जिसको कहते हैं ओस बिंदु तो फोग होती है उसमें मत निकले। अभी जैसे आप बैठ जाते हैं तो आपका विंटर का एक्चुअली टाइम टेबल थोड़ा अलग होना चाहिए। व्यायाम घर में अंदर करते हो आप रूम में तो वो अर्ली मॉर्निंग ठीक है, लेकिन जब बाहर निकलते हो, हेमंत ऋतु है जो अभी गई और अभी शिशिर ऋतु चल रही है, तो उसमें आप इतना बार ऐसे मत निकलो, या तो फिर केप लगानी होगी और कॉटन कान में डालना पड़ेगा, नहीं तो ओस बिंदु धुंद जाकर जो कान में बैठ जाएगी तो वो आपको बहुत परेशान करेगी, साइनोसाइटिस डेवलप हो जाएगी। तो पता नहीं हमें कितने बजे उठना, हमको कितने बजे उठना चाहिए, क्या आइडियल है, जल्दी उठना रात्रि वेला जे सुबह वेला उठे वीर, तो बात तो सही है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, राम मुहूर्त क्या है नहीं मालूम। तो शिशिर में क्या नहीं करना, तो दही नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना, ठंडे पानी से स्नान नहीं करना, माथा खुला रख के कहीं कार पे व्हीकल पे स्कूटर पे और हवा जहाँ चल रही है वहाँ माथा खुला रख के मत जाना, ये शिशिर की जो डोंट्स है नहीं करना। गर्म पानी से स्नान करना और जब सुबह है और शाम है तब आप गर्म पानी पीना, दिन में ठीक है आप हांडानु पानी आप पी सकते हो टैप वाटर पी सकते हो, लेकिन अगर 9 बजे तक अभी के बाद 9 बजे तक का सुबह से लेके अगर पानी पीना है तो गुनगुना पानी पीना चाहिए, और शाम को 6-7 बजे के बाद फिर आपको गुनगुना पानी, तो आपको कफ बनेगा ही नहीं, तो आपको अस्थमा होगा ही नहीं, तो आपको जॉइंट पेन होगा ही नहीं। इस ऋतु की इम्पैक्ट होने के बावजूद भी क्या करना चाहिए क्या खाना चाहिए, आपको एक कैलेंडर भी लगा प्रभावित आरोग्य केंद्र, आपको इस 2 महीने के लिए क्या खाना क्या नहीं खाना, दातुन कौन सा करना, नाश्ते में क्या लेना, दोपहर का भोजन में क्या लेना, शाम का भोजन में क्या करना, कैसे वस्त्र पहनना, ऐसे पूरी टिप्स 2 महीने की। अभी मैं बोलूँगा तो ज़्यादा समय जाएगा, हाँ सबकी घर की एक्टिविटी होती है, मैं कोई ज़्यादा बोलने के लिए तो मैं भी नहीं आया हूँ, लेकिन आपको मिलेगा कैलेंडर मिलेगा जो आप 2 महीने तक आपके घर में लगाइए, और हर 2 महीने हम मिलते रहते हैं, कभी आपके यहाँ आए कभी फिर से आप हमारे यहाँ भी आ सकते हो, हम लोग तो ऐसी एक्टिविटी प्रभावित आरोग्य केंद्र के थ्रू हम करते हैं,
तो अभी कार्यक्रम पूरा होने के बाद आपको वो कैलेंडर भी मिलेगा, आप रखिए उसका फोटो निकाल के और किसी को भी आप भेज दीजिए आपके रिश्तेदारों में। तो दो महीना वो क्या खाना क्या नहीं खाना मैं लंबा तो अभी नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा, आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो भी बात करेंगे। तो ऐसी चीज़ खाना जो थोड़ी उष्ण हो, जो स्निग्ध हो, उष्ण हो, स्निग्ध हो यानी चिकनी हो, तिल गुड़, इस ऋतु में आपको तिल और हम तल सांकड़ी हमने खाई है, अभी पूरा जनवरी जितना बाकी बचा वो भी आप खा सकते हो, खाना चाहिए। इस ऋतु में मसाज करना चाहिए, हेमंत और शिशिर मालिश करना चाहिए, अभ्यंगम आचरित नित्यम, जो डेली मालिश करता है वो कभी बीमार नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, इसकी स्किन खराब नहीं होती, उसके बाल खराब नहीं होते, उसके जोड़ों में दर्द कभी नहीं होता, वो नित्य करने की चीज़ है। लेकिन इस ऋतु में तो मसाज अति आवश्यक है, डेली मसाज करना चाहिए, गर्म पानी से स्नान करो। तो और जो ऐसी रुक्ष है यानी चना है, जो पचने में बहुत हैवी ना हो लेकिन न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़्यादा हो, मूंग चना, उसको भिगो के सुबह बॉईल करके आप उसका नाश्ता और क्या कोई भी वेरिएंट आप मग का चीला बनाओ या चने का कुछ बनाओ जो भी है तो आप वो खा सकते हो। तिल की और तिल के जितने भी वेरिएंट है वो आप ले सकते हो। उड़द की दाल का प्रयोग इस ऋतु में कर सकते हो, हेमंत में और इसमें। तो कौन सी दाल खाना, कौन से सब्जी खाना, कौन से कैसे प्रकार से चावल खाना, वो सब शास्त्रों में लिखा है, उस तरह से अगर करते हैं तो बीमार नहीं होते। कल हमने पोषी पूनम मनाई, याद है आपको पोषी पोषी पूनमणी, और अभी माँ अन्नपूर्णा का महीना गया और व्रत चला, कल नवरात्रि एक अष्टमी से लेके कल तक की नवरात्रि पूर्ण हो गई और शाकंभरी पूर्णिमा थी कल। इस ऋतु में शाक का महिमा ठाकुर जी के पास मंदिरों में हवेलियों में बहुत रहता है, उनका हिंडोड़ा होता है, उनकी पूजा होती है, उनको पेश किया जाता है, शाक का अन्नकूट किया जाता है। धीरे धीरे हम भूल गए लेकिन क्यों, शाक की ऋतु है। इस ऋतु में अगर आपने सब्जी नहीं खाई, शाक नहीं खाया, मुदिया नहीं खाया, ओड़ो नहीं खाया तो कब खाओगे। तो ये शाक की ऋतु है, तो मंदिरों में भी शाक का उत्सव मनाया जाता है, शाकंभरी पूर्णिमा। तो ये इस ऋतु में मैक्सिमम आपका हरा धनिया आएगा, अच्छी सी आएगी, पालक, मेथी, सुआ, ये सब जो जितने लीफी वेजिटेबल्स हैं बहुत आते हैं, प्याज, लहसुन, लीली हरदर, जो भी इतनी वेजिटेबल्स, बैंगन भी इस ऋतु में बहुत अच्छे आते हैं, बैंगन बाद में नहीं खा सकते। तो साग का महिमा है, साग की अलग अलग वेराइटीज अलग अलग प्रकार से बना के आप, क्योंकि जब विंटर पूरा हो जाएगा तो साग भी कम हो जाएगा और उस समय ले भी नहीं सकते, और शरद ऋतु में तो साग का ना बोला है, जैन लोग को मालूम है वो साग नहीं खाते उस समय, हरी वनस्पति नहीं खाते, तो उस ऋतु में तो किसी को भी साग नहीं खाना चाहिए और पत्ती साग तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस समय वो पित्त करेगा, वो बहुत से बैक्टीरिया वायरस लोग ऐसा भी मानते हैं। लेकिन कौन सी ऋतु में क्या नहीं करना, जो परंपरा है हमारी, जो ठाकुर जी की पूजा होती है, आप जो कोई वैष्णव है तो उसको मालूम होगा, आप मंदिर में जाओ, हवेली में जाओ, वहाँ जो ठाकुर जी को जो भोग लगाया जाता है, अभी दातुन कौन सा होगा, ठाकुर जी को मंगड़ा का दर्शन किया है आपने कभी, मंगड़ा का दर्शन में तुम्हें गया चो कोई मंगड़ा ना दर्शन में, पर दर्शन करवा जाए करो शू गोटो आपने आँख बंद कर ठाकुर जी, अरे दीदार की तलब है तो खुली निगाहों से देख, ठाकुर जी ने जुओ तो करा, अत्यारे शू है वो वागा पेरिया छे, अभी उसको गोदड़ी दी जाएगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठाकुर जी को सुबह गोदड़ी, मतलब वस्त्र, कौन से वस्त्र पहना आपको कैलेंडर में मिलेगा, जो ठाकुर जी पहनते हैं कॉटन की गोदड़ी, वूल की गोदड़ी वो पहनाई जाती है, सामने अंगीठी होती है, कभी नाथ द्वारा जाओ बड़ी अंगीठी ठाकुर जी के पास, लाला है छोटा लाला है, तो हम तो सब ठाकुर जी तो हम लाले हैं, तो वहाँ अंगीठी रखे, अंगीठी यानी सिगड़ी, हीटर, गर्मी देनी चाहिए। तो सुबह मंगला में होता है, दोपहर को फिर नहीं होता, ग्वाल हो जाएगा तो अंगीठी हट जाएगी क्योंकि सूरज देव आ जाएगा। तो जील का दातुन, अभी दातुन होगा वो कौन सा होगा, दातुन बदल जाता है, हम तो वही पेश करते हैं जो खतरनाक चीज़ है, कभी मौका मिलेगा तो आप देखिए हमारे YouTube में दंत मत्री से निवारता ओरल हाइजीन, ये पेस्ट, ये ब्रश,
ये कितना खतरनाक है, कितना नुकसान करते हैं, कर भी आप पढ़ोगे देखोगे सुनोगे तब पता चलेगा। जो एडवर्टाइजमेंट आती है, जो हमको सिखाया जाता है, जो अमेरिका बोलता है वो आप बोलने लगे, वो करने लगे। हमारा स्वास्थ्य डॉक्टर के हवाले हमने कर दिया। तो साग का महिमा है, साग इस ऋतु में ज़्यादा खाओ, गर्म पानी से स्नान करो। कहते हैं नहीं हम तो ठंडे पानी से नहाते हैं, ठीक है, किसी की प्रकृति ऐसी हो सकती है जो बारह मास वो करता होगा, लेकिन होली और दिवाली इसको आप माइलस्टोन बनाइए जामनगर के हिसाब से। होली के बाद ठंडे पानी से शुरू कर देना, दिवाली के बाद ठंडे पर गर्म पानी से शुरू कर देना। ये इन जनरल प्रैक्टिस करने की चीज़ है। बाकी इस ऋतु में तो बिल्कुल ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, कम से कम सर तो नहीं धोना चाहिए, ऐसा नहीं करते, सर के ऊपर गर्म पानी नहीं डालना है, शास्त्र ना बोलता है। लेकिन इस ऋतु में कोष्ण उससे आप कर सकते हो, और नहीं तो जल्दी से साफ कर दो, नहीं तो लग जाएगी सर्दी लग जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग ऋतु में अलग अलग खान पान होता है। तो शिशिर ऋतु में क्या खाना, शिशिर ऋतु में क्या नहीं खाना, हमारे जो उत्सव है उसको याद रखो, जो उत्सव है उसी परंपरा से जुड़े हैं। मकर संक्रांति है तो हम तिल गुड़ खाते हैं, संक्रांति के बाद या उसके पहले और उसके बाद भी सबको मिठाई बांटते हैं। उसमें कौन सी मिठाई होती है, या तो घर में जो गुंदर पाक है, अड़दी आम बनाते हैं, तो जावंत्री होती है, उड़द हैवी है लेकिन उसमें जावंत्री जो गर्मी करती है और उड़द को भी पचाती है, उड़द बहुत हैवी चीज़ है, लेकिन उसको अगर पचाना, खुद को भी पचाना है और गर्मी भी लाना है तो उसका एंटीडोट है जावंत्री। मैं इलायची नहीं पड़ती, लौंग नहीं पड़ता, किस में लौंग डालना, किस में इलायची डालना, किस में जावंत्री डालना, किसके ऊपर जायफल डालना, वो एंटीडोट है। वो हम बीमारी नहीं होता, हम इस तरह से खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, इस तरह से खाते हैं, इस तरह से वगार लगाते हैं, ऐसा चमकार लगाते हैं कि हम हमारा जो भी खाना है वो सुपाच्य होता है। तो अभी आपको एक छोटा सा कैलेंडर दिया जाएगा, आप देखिए।